दोस्तों आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन रहता है जी मेरी छत पे कितना पैनल लग सकता है। अब आप देख रहे हैं ये जो छत है, ये देखिए इधर से आप मैं दिखाऊं आपको, लगभग मान के चलिए 20x35 की ये छत है, लगभग लगभग 65 गज का ये है जो छत का एरिया है, 65 गज एरिया है। और इस पर जो पैनल लगा हुआ है, आप पैनल देख रहे हैं, इस पर 16 पैनल लगे हुए हैं 580 वाट के। अभी ये नई इंस्टॉलेशन है, चालू हो गई है, कनेक्शन टेम्परेरी कर दिए हैं, परमानेंट अभी इसके कराने वाले हैं आपको दिखाने के लिए। और स्ट्रक्चर भी हाई राइज लगाया है, आप देख रहे हैं मैं इसके नीचे डोल रहा हूँ तो हाई राइज लगाया है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे अभी तो आप देख रहे हैं एसी इसके नीचे रखा हुआ है, बाकी इसके नीचे आप कुर्सी डाल के बैठ सकते हैं, अपना छत पर खाना वाना खाने के लिए गमले लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर का काम चल रहा है और स्ट्रक्चर फास्टनर से मजबूत कर दिए गए हैं, नीचे आप देख रहे हैं ऊपर पैनल लगा दिए गए हैं। और एक चीज़ मैं स्पेशल दिखाऊँ आपको, ये लगभग लगभग 10 किलोवाट के आसपास पैनल हो गया है, यानी कि 16 पैनल में 580 वाट का एक पैनल है और बायोफेशियल पैनल है, तो आपको दिखाने वाले हैं। देखिए इस बिल्डिंग में आपको 3 AC चल रहे हैं, फिलहाल हमने टेम्परेरी चालू कर दिया, 10144 का सिस्टम लगवाया है छत पे, तो आप देख रहे हैं एक आउटडोर तो ये लग रहा है AC का चल रहा है, आपको फैन घूमता हुआ दिख रहा होगा। आपको 2 आउटडोर और दिखाते हैं कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और चल रहे हैं इस बिल्डिंग में, 3 AC हैं, अन्य लोड है। एक आउटडोर आप देख रहे हैं वो लग रहा है बिल्डिंग पे, आप देख रहे हैं बाहर हमारे कैमरा मैन दिखा रहे हैं, और एक आउटडोर नीचे आपको लग रहा है, आप देख सकते हैं एक आउटडोर आपका वो लग रहा है, यानी कि इसमें आपके 3 AC लगे हुए हैं बिल्डिंग के अंदर। उसके साथ में अन्य पंखे हैं, करीबन 10 से 12 पंखे हैं, और ऑफिस का अन्य लोड है, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह। तो इस पैनल से, मतलब इस 10 किलोवाट पैनल से पूरा लोड चलने वाला है। और ये आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन ये होते हैं जी, हमारा छत चूँकि छोटी है, हमारे पास स्पेस कम है, हमारा 50-60 गज का मकान है, तो क्या हम भी अपनी छत पर इतना बड़ा सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों स्पेशल वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको दिखाने के लिए कि आप अपने 50-60 गज के मकान पे भी 10 किलोवाट तक का सिस्टम लगा सकते हैं और अपने घर को बिल्कुल बिजली से फ्री कर सकते हैं, सोलर से अपना AC, फ्रिज, पंखा, TV, लाइट सारा लोड चला सकते हैं। और ये बायोफेशियल पैनल है, दोनों तरफ से काम करने वाला पैनल है, मोनोपर्क सेल है, इसके अंदर हर मौसम में, अभी देख रहे हैं आज थोड़ा सा बारिश का मौसम है, बारिश हुई है अभी तो, थोड़ा सा बारिश का मौसम है और हर मौसम में काम करने वाला पैनल है। अभी कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाए हैं, मैंने आपको पहले बताया टेम्परेरी कनेक्शन है, तो कुछ लोग कमेंट्स करेंगे जी आपने प्रॉपर कनेक्शन नहीं किए हैं, अब इस पर पेंट भी होना है और ये MS का स्ट्रक्चर है, इस पर प्राइमर होकर पेंट होना है, तो फिर ये बेग सुंदर लगने लगेगा। साथ के साथ में आप देख रहे हैं, कि एक झटका मशीन भी लग रही है कि इसको यहाँ से तार बंदी करके, चूंकि बंदर ज़्यादा परेशान करते हैं तो चारों तरफ बिल्डिंग के यहाँ से लेके वहाँ तक झटका मशीन लगाई जा रही है। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, अभी झटका मशीन दिखाते हैं, उसके बाद में इन्वर्टर भी दिखाएंगे और लोड चलता हुआ भी दिखाएंगे, तो पहले आपको दिखा देते हैं झटका मशीन के बारे में। तो झटका मशीन भी लगा रही है, तो झटका मशीन में आप देख रहे हैं ये झटका मशीन है, और ये झटका मशीन सीधा बैटरी से लगा सकते हैं आप, आपने बहुत सारी वीडियो में देखी होगी। तो झटका मशीन नॉर्मली एक छोटी 12 वोल्ट की बैटरी से चल जाती है, इस पर अलग से एक पैनल लगा लेंगे, चाहे तो सिस्टम में से इसे लाइट, एक बैटरी की लाइट दे देंगे। इसके साथ में देख रहे हैं चारों तरफ पत्ती लग जाएंगी और ये पत्ती बनाई जा रही है झटका मशीन की, और ये क्या है कि साइड में अपने हिसाब से ये फिट कर देंगे ये लगा के, जिससे नट बोल्ट फास्टनर के माध्यम से जोड़ के, तो बंदर जो है इस परिसर में ना आए। इस परिसर में जैसे फूलदार फलदार पौधे, छोटे मोटे गमले लगा देंगे, आदमी बैठ के अपना सोफा कुर्सी डाल के बैठ सकते हैं शाम के टाइम, तो इस हिसाब से झटका मशीन लगाई जा रही है। और मैं झटका मशीन लगाने वाले हमारे ये साथी हैं, तो इनसे एक बार बात करूंगा और आपको झटका मशीन की भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो ये रिंकू ये बताएं ये क्या है चीज का, हमारे दर्शक देख रहे हैं, इंसुलेटर है जी। ये इंसुलेटर है और ये झटका मशीन का इंसुलेटर लग रहा है इस पे झटका मशीन से। उसके बाद में ये क्या है, ये कॉर्नर पे कॉर्नर लगता है, उसके साथ साथ में वायर है जो क्लिच वायर होता है, जरा दिखाएं दर्शकों को, ये दोस्तों क्लिच वायर है जो क्लिच में आपका तार यूज होता है बहुत हैवी वाला, और ये तार एक बार हैवी लग जाता है तो इसमें करंट तो होता है, ये बहुत हैवी बोल्ट का, और ये टूटता भी आसानी से नहीं है, एक बार लगा के 8-10 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाता है, और ये बंदर को मारता नहीं, झटका लगाता है सिर्फ और छोड़ देता है, हाई वोल्टेज होते हैं, कैपेसिटर होता है इसके अंदर, आपने टेक्नोलॉजी देखी होगी। तो झटका मशीन का भी इंस्टॉलेशन चल रहा है, साथ के साथ मैं आपको दिखाऊं, और चारों तरफ लगा के ये फिर एक कमरे जैसी इसकी स्थिति हो जाएगी, जैसे झटका मशीन लग के चारों ओर से, तो बंदर इसके अंदर आएगा नहीं, आप आराम से अपनी छत पर इस प्रकार बना सकते हैं, तो आपकी छत भी नहीं गिरने वाली और छत के साथ बिजली बना के देगी, यानी कि आपको पैसे भी कमा के देगी, तो डबल काम होने वाला है। और इसमें जो सिस्टम में हमने लगाया है वो लगाया है 144 वोल्ट का 10 KVA, मतलब 144 वोल्ट लिथियम की, हमने 3 बैटरी ली है सीरीज वाली बैटरी,
उनसे, क्योंकि हमें तीन एसी चलाने हैं, पूरा लोड है, पंखे हैं, लाइट है, टीवी है सब चीज़, और फ्रिज है, तो उस तरीके का पूरा लोड है। तो हमने बैटरी बैंक ज़्यादा लिया है क्योंकि रात के टाइम का कटअप ना रहे। एक बार मैं ऑफिस भी दिखवा दूँ, तो ऑफिस की लंबाई अब देखेंगे, मेरे कैमरा मैन साइड से दिखाएंगे। बड़ा ऑफिस है, इसमें तकरीबन 35 से 40 लोग हमेशा ऑफिस में काम करते हैं, तो उनके लिए एसी, पंखे और पानी वाली जो मशीन होती है ठंडा पानी करने वाली, सारी सुविधाएं हैं। तो उस हिसाब से पूरा सिस्टम एक लगाया गया है जिससे पूरा लोड सोलर के साथ चलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे आप बने रहिए, अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको कनेक्शन कैसे किए हैं हमने 10144 के, उसके साथ में लिथियम बैटरी भी दिखाने वाला हूँ, 15 साल वारंटी वाली लिथियम बैटरी हम लगा रहे हैं, और ये सिस्टम एक बेहतरीन सिस्टम होने वाला है। अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है, आप लोग भी चाह रहे हैं भाई हमें सिस्टम लगवाना है, तो हमारी छत पे कैसे लग जाएगा, कितना खर्चा पड़ने वाला है, ये कंप्लीट बातें इस वीडियो में होने वाली हैं दोस्तों। और मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको पैनल तो मैंने दिखा दिया, एक बार सिस्टम दिखा दूँ। ये 10144 का इन्वर्टर है, मतलब ये जो इन्वर्टर है आपने अभी तक देखा होगा 10 KVA में 120 वोल्ट, 180 वोल्ट, ये 144 वोल्ट का है। यानी कि आप नॉर्मली अगर लेड एसिड बैटरी इस पे लगाएंगे तो 12 बैटरी इस पे लगने वाली हैं, और लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं हमने 3 बैटरियां ली हैं। और 3 बैटरी जो है मैं एक बार आपको दिखा दूं, कलेक्शन भी हमारे चल रहे हैं। ये नेक्सस सोलर एनर्जी की बैटरी है, और ये जो बैटरी है इसको सीरीज में जोड़ा जा सकता है, ये स्पेशल बैटरी है, ए बी वाली बैटरी है, ए बी सी इस प्रकार से देख रहे हैं ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसको क्या है कि इसका प्लस, एक का प्लस दूसरे के माइनस में जोड़ते हैं, इसको हम सीरीज बना लेंगे। अब जैसे इसका ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है, तो इसका माइनस लेंगे और दूसरी बैटरी के प्लस में लगा रहे हैं, और इसका जो यहाँ से प्लस लेंगे दूसरी बैटरी के माइनस में लगा रहे हैं, इस पर प्लस माइनस जोड़ते हुए इसको सीरीज में बना लेंगे, और ये बन जाएगी 144 वोल्ट की बैटरी, यानी कि 12 बैटरी के बराबर ये ताकत होने वाली है 3 बैटरियों में। ये जो हमारी 3 बैटरी हैं इनमें 12 बैटरी के बराबर ताकत होने वाली है। इसका फिर एक पॉइंट से लेंगे प्लस, एक से माइनस, और इन्वर्टर के पीछे लगा देंगे। एक बार मैं कहूँगा अपने कैमरा मैन से, जरा हमारे दर्शकों को इन्वर्टर के पीछे का पार्ट्स भी दिखाएं, या मैं इन्वर्टर को थोड़ा घुमा देता हूँ। इन्वर्टर में नीचे व्हील भी दिए हैं और स्पेशल इन्वर्टर है, आप देख रहे हैं। एक बार पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, ये इन्वर्टर है, इसमें पूरा AC DB DC DB सारे दिए गए हैं, और बैटरी के लिए कनेक्शन जो करने हैं हमें यहाँ पर करने हैं, अभी करके भी दिखा देंगे हम आपको। और बैटरी की अलग MCB है, सोलर की अलग है, मेंस के लिए अलग है, और लोड के लिए अलग है। अब इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं भाई, क्या VOC पढ़ने वाली है। तो VOC की बात करेंगे तो 320 मैक्सिमम VOC है इसकी, और मिनिमम की बात करेंगे तो 175 वोल्ट की बात करेंगे। 150 Ah की बैटरी ले सकते हैं लिथियम की आप इस पर, अगर चाहते हैं 144 वोल्ट में, और लेड एसिड की 200 Ah तक की बैटरी भी आप 12 बैटरी इस पर लगा सकते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं बाईपास के लिए पॉइंट दिया गया है, यहाँ A1 2, ये नॉर्मल पर आप चल रहा है, यहाँ बाईपास हो जाता है, इस प्रकार से सारे प्रोटेक्शन इसके अंदर दिए गए हैं। एक हैवी इन्वर्टर होने वाला है, अगर आपका लोड थोड़ा ज़्यादा है, आप चाहते हैं भाई मुझे 2 से 3 AC हैं और ज़्यादा लोड है, और मुझे रात के बैकअप की भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये स्पेशल इन्वर्टर आपके लिए होने वाला है। इसकी कीमत की भी बात कर लेते हैं, कीमत आपको क्या पड़ने वाली है। इन्वर्टर की कीमत की बात करेंगे तो इन्वर्टर पड़ने वाला है 1,21,260 रुपये का, ये इन्वर्टर पड़ने वाला है। वहीं बात करेंगे जी 10 kW पैनल लगाया है हमने, 16 पैनल लिए हैं, 16 पैनल की क्या कॉस्ट पड़ने वाली है। आप लोगों के दिमाग में रहता है भाई सब चीज़ की कॉस्ट अलग अलग बता दूँ मैं, तो 16 पैनल की क्या कॉस्ट पड़ने वाली है। तो सोलर पैनल जो है 40 रुपये वाट और 580 वाट का एक पैनल है, तो 16 पैनल की हम कॉस्ट कर लेते हैं तो पड़ने वाली है 3,71,200 रुपये। अब बात कर लेते हैं बैटरी की, जो हमारी ये लिथियम बैटरी है ये कितने पैसे की हमें पड़ने वाली है। तो ये जो बैटरी है ये 15 साल वारंटी वाली बैटरी है दोस्तों, MCB वाली बैटरी है, स्पेशल बैटरी है, आप देख रहे हैं ABC वाली, और एक बार लेके आप लगभग लाइफ टाइम के लिए टेंशन फ्री होने वाले हैं। इस बैटरी की कीमत की बात करेंगे 3,45,600 रुपये में ये बैटरी आपको पड़ने वाली है। अब इनकी टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं, सिस्टम की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई, पैनल हो गया छत पर जो पैनल लगाया है, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गई, तो इस टोटल सिस्टम की जो कॉस्ट पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है 8,38,000 रुपये। अब इसकी विद GST बात कर लेते हैं तो 12% इस पर GST लगने वाली है, तो आपका जो खर्चा होने वाला है वो होने वाला है 9,38,600 रुपये, आपका पूरा खर्चा होने वाला है। और इसमें अभी मैंने स्ट्रक्चर की और वायर की कॉस्ट नहीं जोड़ी है दोस्तों, स्ट्रक्चर वायर अर्थिंग ये कॉस्ट अलग है। तो मैंने बताया बस आपको इन्वर्टर की कॉस्ट, बैटरी की कॉस्ट और सोलर पैनल की कॉस्ट, तो अपने हिसाब से आप सिस्टम लगा सकते हैं, और एक 10 KVA का सिस्टम आपका तैयार हो जाता है अच्छी क्वालिटी के साथ, लगभग 9,40,000 रुपये में आपको ये सिस्टम तैयार होकर मिल जाता है दोस्तों।
अभी आप परचेज करना चाहते हैं तो कहां से परचेज करें, उसके लिए कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in, वहां जाकर सीधे से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कंपनी के सेल्स मैनेजर के नंबर भी दूंगा, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। अभी आपको कनेक्शन और एक बार दिखा देते हैं। देखिए हमने जोड़ लिया बैटरी सीरीज में, आप देख रहे हैं प्लस माइनस और प्लस माइनस जोड़ के, अब एक तरफ आ गया हमारा माइनस और एक तरफ आ गया प्लस, और इसको पीछे करेक्शन कर देंगे और एक बार चालू करके भी सिस्टम आपको दिखा देते हैं बातों बातों में। अभी हमारी दो लीड आ गई है, हमने देख रहे हैं, हमने करेक्शन कर रहे हैं पीछे, जरा हमारे कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों को। आप देख रहे हैं हमने नेगेटिव जोड़ दिया है और पॉजिटिव जोड़ने वाले हैं। और ये जो बैटरी है दोस्तों, ये बहुत सेफेस्ट बैटरी है, इसमें कहीं कोई स्पार्क की, कहीं कोई पानी नहीं डालना, कहीं धूल डस्ट के, मतलब किसी प्रकार का पॉल्यूशन आपके यहाँ नहीं होने वाला है, आपको बार बार देखभाल नहीं करने वाली है, एक बार लेके लाइफ टाइम के लिए आप टेंशन फ्री होने वाले हैं। तो इस प्रकार का आप सिस्टम परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और मैंने करेक्शन भी आपको दिखा दी है, कंप्लीटली जानकारी दे दी है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो दोस्तों, तो इसलिए हम प्रयास करते हैं शॉर्ट टाइम में आप लोगों को जानकारी दी जाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।